सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज वी का मारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो सीबीएसई क्लास 9th और 11th के बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि सर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन है। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बच्चों को क्या क्या बेनिफिट मिल गया है आपके प्रोटेस्ट से। बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिले हैं गाइज, कहाँ क्या बेनिफिट मिला है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपकी स्टडी में हेल्प करने के लिए एक ऐप बताना चाहूँगा, डाउट नट। अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा गाइज। वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक IIT-JEE एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज देखो, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आती दोपहर के अंदर। तो गाइज मेरे को कई सारे बच्चों ने बताया कि जो उनके एग्जाम हो रहे थे, मतलब जो एग्जाम की डेट शीट आ गई थी, वो डेट शीट स्कूल ने कैंसिल कर दी क्योंकि उनको पता लग गया कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं एग्जाम ऑनलाइन की। और कुछ बच्चे मेरे को कॉल करके कह रहे थे कि सर हमारे एग्जाम होने वाले थे, पीटी पीरियोडिक टेस्ट हमारे ऑफलाइन होने वाले थे, लेकिन सर मैंने लेटर लिखा, वो लेटर अपने टीचर को भेजा तो टीचर ने मेरी बात समझी और अब हमारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे पीटी, और फाइनल भी कह रहे कि ऑनलाइन ही हो गए। तो गाइज देखो, बच्चे जो प्रॉपरली इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो अपनी प्रॉब्लम टीचर को बता रहे हैं, उनके अपना चांसेस बन रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम के। क्योंकि गाइज टीचर भी इंसान है, इंसान बच्चे की प्रॉब्लम समझेगा, टीचर आप सभी का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। तो गाइज अपनी प्रॉब्लम टीचर को समझाओ, अपना टीचर ऑनलाइन लिएगा। गाइज काफ़ी स्कूल्स में अभी डेट शीट भी कैंसिल हुई है, कई स्कूल्स में एग्जाम ऑनलाइन भी हो रहे हैं अब, और कई टीचर्स ने, कई प्रिंसिपल्स ने, कई स्कूल्स ने एग्जाम को पोस्टपोन्ड भी कर दिया लगभग 1-2 वीक के लिए। मतलब कईयों के एग्जाम अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाले थे लेकिन उनके अब एग्जाम फरवरी में हो रहे हैं। तो गाइज आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, लेकिन गाइज मेहनत प्रॉपरली करो, ऐसे डीमोटिवेट मत हो कि कुछ नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। गाइज देखो, अपनों को पता है कि ऑफलाइन, आपको लग रहा है कि ऑफलाइन होगा, तो गाइज ऑफलाइन तो होना है, लेकिन आप थोड़ी बहुत तो मेहनत कर सकते हो। मेहनत करने से अगर ऑनलाइन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, आपको घर बैठे सिर्फ या तो वीडियो भी शेयर करना है या फिर आपको ट्विटर पर जाके ट्वीट करना है, बस आपको और कोई काम नहीं, अपनी स्टडी कंटिन्यू ही रखनी है अपनों को, स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है और साथ में मेहनत भी करनी है। क्योंकि गाइज मेहनत करने से गाइज हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगी, बच्चों की हो रहे हैं, मेरे पास कई सारे बच्चों की कॉल्स आ रही है, तो मैं उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। कई बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर मेरा एग्जाम पहले ऑफलाइन होने वाले थे लेकिन अब ऑनलाइन हो रहे हैं। तो गाइज ये आप सभी की मेहनत ही है, डीमोटिवेट मत हो, मेहनत करते रहो, स्कूल और टीचर आपकी प्रॉब्लम समझेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, जिससे जो बच्चे आपके डीमोटिवेट हो गए वो थोड़े मोटिवेट हो जाए। तो गाइज इस वीडियो में इतनी, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सकते हैं, सेफ रहो।